रिहान जी का बर्थडे है, तो कब से जानते हैं उनको, उनके बारे में एज ए पर्सन, एज ए एंटरप्रेन्योर क्या कहना चाहेंगे? एहसान रिहान मैं उनसे 10 साल जानता हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको बिजनेस में बहुत अच्छे कर रहे हैं, पर उनका सामाजिक जो विजन है, सामाजिक विजन वो भी बहुत अच्छा है। वो हमेशा हेल्प करते हैं जिस पुअर पीपल को और ये सब, और उनका सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। आई मेट हिम 10 years बैक एंड वी फेल लाइक ब्रदर्स एंड वी फेल लाइक वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। What are the qualities you're admiring लगती है आपको उनके बारे में? I think he's a humble person. He's helpful and he's happy. 3 H: humble, helpful and happy. Thank you. बोलो। हाँ। तब तक रिसल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। मैं भी आ रही हूँ। एक्चुअली आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एंड आई ओनली वॉन्ट टू से दैट हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय योर ड्रीम, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, दैट्स ऑल, थैंक यू। Something about you, I mean, as a professional, I mean, you're a model. Yeah. So where your work did but and where... No, I'm meeting him first time, no? But something about you, yourself, I mean. Dekhte aage kaam karte. Achha. God knows. Thank you so much. Ma'am, Aishan ji ka birthday hai. Kya kehna chahiye unke baare mein aur what do you say about it? Well, I'm very excited. The party is super happening and it's very entertaining as well. And yours wishing Rihan a very, very happy birthday. Wanting to know something about you, I mean, about yourself, you want to tell something? Sorry? Apne baare mein kuch batana chahenge? I'm Lavina Lodh. Lavina, what do you do basically? I'm an actress, a South actress. What projects you have worked in and about what are the future projects? My next project is coming on Amazon Prime with Ashmit Patel. And my last film which was released, that was on Sony Live, Girl on Heels. So how was working with Ashmit? How did you feel? Oh, amazing co-star, very supportive and awesome. It was awesome working with him. वेल अभी मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी बिकॉज इट्स गोइंग टू रिलीज इन फेब, तो आप देख लेना। थैंक यू, बाय बाय। और कब से जानते हैं उनको एज अ इंडिविजुअल, एज अ एंटरप्रेन्योर, कैसा लगा सर? ठीक है। एहसान रिहान यानी ए आर जो है वो ये यार है हमारा, ये यार है जिसका शॉर्टकट ए आर है, और इवेंट्स की दुनिया का बादशाह है। इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम मिलकर देश और दुनिया की इवेंट्स की दुनिया में नंबर वन बनी हुई है, चाहे इवेंट्स कॉमेडी का हो, चाहे फिल्म स्टार का हो, चाहे अवार्ड फंक्शन हो, रिवार्ड फंक्शन हो, म्यूजिकल इवेंट हो, कोई भी शो हो, शो किंग है ये लोग, शो किंग है, इवेंट्स के बादशाह है। मतलब आपके इनके घर पे फ़ोन करो, रिहान के घर पे, तो नौकर फ़ोन उठाता है, हमने पूछा साहब है, ही इवेंट, मैडम है, शी इवेंट, फॉर इवेंट, आप सर इवेंट, ये कॉमेडी जवाब आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में की शुरुआत जब हमने की है, तो इनके जन्मदिन से ये सबके लिए दुआएं हैं कि आप सब जियो हज़ारों साल, साथ में रिहान भी जिए लाखों साल, और हज़ारों इवेंट्स करें हर साल, और उसमें 100 से ज़्यादा शो में रहे सुनील पाल।
यही शुभकामना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कंपनी, इनका ग्रुप जो है बहुत बहुत ही डेडिकेटेड है और उनके शो में बहुत मज़ा आता है। आप प्रोड्यूसर हैं तो इवेंट्स में आप खुद उतरना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कभी ऐसा लगता है कि आप परफॉर्मेंस, आप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें परफॉर्मेंस के थ्रू? मैंने तो अपने, मैं तो समझता हूँ कि मैं ही क्या, सारे ही कलाकार, चाहे वो जॉनी भाई हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे कोई भी ऐसा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन कलाकार हो, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उन्हीं से उनको एनर्जी मिलती है, उन्हीं से उनको सीखने मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो जनता है वही हमारी मेन गुरु है, शिक्षक, प्रशिक्षक, परीक्षक सब है। तो जो नए कलाकार हमारे साथ में आते हैं, वो नए कलाकार दरअसल नए दुनिया के लिए होते हैं, हमारे लिए गुरु होते हैं, क्योंकि नया लाते हैं, नया कलाकार नया लाता है। अभी जैसे अगर हम बच्चन साहब की आवाज़ निकालते हैं तो नया कलाकार अभिषेक बच्चन की आवाज़ निकालेगा। फ्लॉप सिर्फ इसलिए है, नए सिर्फ इसलिए है वो, क्योंकि वो अभिषेक बच्चन की आवाज़ निकाल रहे हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गड़बड़ी कुछ बोल गया, लेकिन नया वही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी भावनाओं को समझना चाहिए और ये सारे दोस्त हमारे साथ हमेशा बने रहे और हम इनके साथ बने रहे और कुछ ना कुछ नया करते रहे, यही हर जगह हो रहा है और यही होना चाहिए। अभी मेरी दो चीज़ों पे राइटिंग चल रही है, एक कहानी बन रही है साउथ पैटर्न पे, हिंदी में अगर साउथ फिल्म बनेगी तो कैसे बनेगी उस पर मैं लिख रहा हूँ, ये पहली बार रिवील कर रहा हूँ ये बात। एंड सेकंड फिल्म बन रही है स्टैंड अप कॉमेडी पे, कि स्टैंड अप कॉमेडी 15 साल पहले किया थी जब हम लोग आए थे, अब क्या है और आगे क्या होगी, इसके ऊपर ताना बाना बुन रहा हूँ मैं। और ये दोनों ही फिल्मों की शुरुआत जो है भगवान चाहे तो एक आध दो महीने में शुरू हो जाएगी, जो मेरे प्रोडक्शन से बनेगी। टाइटल अभी सोचा नहीं है, कहानी ये है, लेकिन आपको पता है जब मैं कोशिश करता हूँ फिल्म बनाने की तो मेरे सारे तमाम दोस्त, राइट फ्रॉम कपिल शर्मा टू जॉनी भाई टू राजेश श्रीवास्तव टू भगवंत मान, एवरीवन मेरे साथ में तन मन से होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और आप सब मीडिया, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ और आप सबके सपोर्ट से हो जाता है, तो दुआ चाहूँगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, उनको पता है कि कंट्रोवर्सी होगी। क्योंकि देखिए, जॉनी लीवर साहब अपने मेहनत से आगे आए, अपने काम से पहचाने जाते हैं। आज जॉनी भाई को देख के लोग बोलते हैं, जॉनी भाई आपका मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगता है, वो कैरेक्टर राजू श्रीवास्तव गजोदर अच्छा लगता है, मुझे रतन नूरा कपिल शर्मा को लोग कुछ अलग अंदाज में पहचानते हैं, भगवंत मान को लोग पॉलिटिकल सटायर की वजह से पहचानते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड, मैं इनको कॉमेडी नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये सो कॉल्ड जो बदमाश लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, कॉमेडी नहीं, ये समझ से बाहर है, समाज से बाहर है, ये जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं कि जिसकी वजह से अपनी बिरादरी का, हमारे कलाकारी का नाम, ये कलंकार लोग हैं, ये कलाकार नहीं है, इनको तो ये जो सज़ा आतंकवादी की होती वही होनी चाहिए, क्योंकि समाज में नुकसान करने का काम दोनों कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक को आप भगवान का दर्जा दीजिए, स्टेज को आप माँ सरस्वती का वरदान समझिए, जो भी आप जिस भगवान को मानते जाइए, इज्जत कीजिए, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट अगर आपका साफ हो तो आप अगर मोदी जी पर भी कमेंट कर रहे हैं तो मोदी जी ताली बजाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आप राहुल गांधी जी पर, हम कर ही रहे हैं ना, पिछले 25 साल से मैं कर ही रहा हूँ, पिछले 30-40 साल से राजीव श्रीवास्तव कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, 50 साल से जॉनी भाई कर रहे हैं, इन पर तो कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। कुमार विश्वास कितनी कविताएं करते हैं लोगों पर, सामने नेता बैठे होते, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन, नीयत में जो है वो आपकी जनता की सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि यार मैं कुछ भी काला कांडी करूं, जैसे वीरदास ने किया था। वीरदास ने क्या किया, उनकी एक फिल्म आने वाली थी OTT पे शायद, उसको प्रमोशन चाहिए था, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से फिल्म भी प्रमोट होगी और वो भी प्रमोट होगी। लेकिन ये सब चीज़ें टोटके जो है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, तो भैया पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। पब्लिक जो है रियल कानूनी तरीके से आपकी जांच करेगी, क्योंकि ये जनता नहीं है, जनता हवलदार है। राजेश खन्ना साहब ने पब्लिक है सब जानती ये भी बोला था और जनता हवलदार का रोल भी किया था। तो राजेश खन्ना बनो, ठीक है, ये बेकार के नन्ना मुन्ना मत बनो, गंदा मुन्ना मत बनो। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी। मैम ये कहना चाहूँगा,
हाल फिलहाल में ही आपने एक कमेंट किया था महेश भट्ट के बारे में, उनको डॉन बोला था, तो वो लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताइए क्या इशू है, क्या मांग रहा है? वेल आई थिंक इट्स समवनस बर्थडे पार्टी और मैं इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी. आई थिंक वी हैव कम हियर टू हैव फन, तो मुझे भी करने दीजिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए. फिर भी आपने अगर ऐसा वर्ड यूज़ किया है और इतने बड़े लीजेंड्स पे, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड और मुझे जितना बोलना था उस बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. सो आई थिंक लेट्स हैव फन, इट्स द रेहान्स बर्थडे, सो जस्ट लेट्स हैव फन. I really don't want to comment on this. Thank you. मैम क्या कहना चाहेंगे, एहसान रिहान जी का बर्थडे है, कब से जानती हैं और कैसे इंसान और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें बर्थडे के विशेस देना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि उनको ये जो बर्थडे है बहुत सारी सक्सेस लेकर आए और वो जो एक अवार्ड फंक्शन करते हैं वो कई सारे कर सकें. और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है. जब आप किसी को एक अवार्ड देते हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं से एक आइडेंटिटी देते हैं. जब आपके घर में एक ट्रॉफी, एक अवार्ड रखा होता है, कोई एक काफ़ी सी अच्छी सी स्टैचू रखी होती है, तो आपको लगता है यार आपने यहाँ से अचीव की उस चीज़ को. तो ये बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोगों को प्रमोट करते हैं. सो मैं इन्हें दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. कहना जी ये भी कहना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में पूनम जी, पूनम पांडे को PRS बेल मिला है, तो ये कितना अच्छी बात है कि जो लोग शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उस ब्रैकेट में जिसमें आप भी सफ़र किए हैं, तो क्या कानून पर कितना विश्वास हुआ है आपको? देखो अगर मैं पूनम की बात करूँ तो वो इंडिविजुअली कंटेंट बना रही थी, वो किसी को ड्रैग नहीं कर रही थी. वो जो भी कर रही थी वो उसका इंडिविजुअल चॉइस थी. वो खुद शूट करे, वो बिना कपड़ों के शूट करे या कपड़े पहन कर करे, इट्स हर इंडिविजुअल चॉइस. सेकंड चीज़ वो अबव 18 है और चूँकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, तो ये संविधान हमें कहता है कि हमें अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने का हक है. उसने वही किया और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ है कि कौन गलत है कौन सही है. सो मैं इसके लिए पूनम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी स्पेशली फॉर दिस, कि अच्छा हुआ फाइनली उसे बेल मिल गई एंटिसिपेटरी और बहुत अच्छी बात है. लास्टली ये जानना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े स्टार धनुष का जो हुआ डिवोर्स हुआ 18 साल के बाद, और रामू यानी रामगोपाल वर्मा ने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट उसमें किया है कि मैरिज जो होता है वो कूल करते हैं और प्यार जो होता है समझदार करते हैं. आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? अगर RGV को इतनी समझ थी तो उन्होंने क्यों शादी की? या वो वेट कर रहे होते हैं कि किसी का डाइवोर्स हो और वह स्टेटमेंट पास कर सकें? हालांकि ये बहुत गलत है क्योंकि 18 साल स्पेंड कर देना, देन उसके पहले सामंथा और नागा चैतन्या की शादी हुई थी, 4 साल में डाइवोर्स हो गया. सो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं लोगों के बीच में डाइवोर्स होते जा रहा है. मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. या तो आप शादी मत करो, आप टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना एक दूसरे को जान सकते हो, जितने अच्छे से अपने रिलेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, तब डिसीजन लो अगर आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ अ राइट टाइम. लेकिन धनुष और ऐश्वर्या के मैटर में 18 साल हो गए, 2004 में इन दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज थी, ऐश्वर्या ने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की डायरेक्ट की,
जिसमें से जो 3 फिल्म थे जिसमें श्रुति हसन भी थी धनुष के ऑपोजिट। सुनने में आया था कि धनुष और श्रुति का उन दिनों अफेयर चलने लगा था, सो काफ़ी टाइम से क्लैशेस थे, बट इन लोगों ने जब इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया था तो थोड़ा सा और मैनेज कर सकते थे। बट कहते हैं ना, अगर रिश्तों में खुशी ही नहीं रह गई हो तो रिश्तों को कैसे निभाओगे, तो मे भी धनुष और ऐश्वर्या को यही लगा हो, इसे नाउ दे आर सेपरेटेड। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एंड आपको 26 फरवरी को मैं अनाउंस करूँगी। 26 फरवरी को मैं प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मीडिया के सामने बकायदा अच्छे तरीके से लॉन्च करूँगी और आई एम श्योर कि आप लोगों को मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको उसमें रियल वाली गहना दिखूँगी, मैं फेक पॉलिश्ड या प्लास्टिक तो मैं वैसे भी नहीं हूँ और आपको उसमें और भी नहीं लगूंगी और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इट्स अ बिग शो। थैंक यू। तेरे पास मेरे पास तू आ जाना। अच्छा सिमरन पूरा ले कम कम करके मच कम। निकिता जी क्या कहते हैं कि ईशान रियान का बर्थडे बैश है, तो कब से जानती हूं उन्हें एज अ पर्सनालिटी एज अ एंटरप्रेन्योर, व्हाट योर फंड क्वालिटी एलिमेंट? देखिए मैं काफी समय से उन्हें जानती हूं, उनके अवार्ड फंक्शन में भी हम गए हैं और ही इज़ पर्सनली वेरी 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 अमेजिंग, वेरी नाइस पर्सन। सो फ्रॉम माय साइड हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड इट्स अ हिज डे सो वी आर हियर टू विश हिम। निकिता ये कहना चाहूंगा कि सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि आपको बिग बॉस से कॉल आया है, तो ये कितना सच है कि क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? जी मुझे बिग बॉस से कॉल आया है और शायद यस आई एम गोइंग एंड आई हैव जस्ट टोल्ड देम दैट I'll just revert you back, but then internally, but आप लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँच कैसे जाती है? कहाँ से? जो आपका persona है कितना adjust कर पाएंगे अगर आप जाती हैं वहाँ पे तो? देखिए मेरा persona मुझे, मैं खुद नहीं जानती, मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई ना हो जाए उनसे लड़ाई हो जाएगी मुझे लगता है सबसे। तो अभी फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल अभी फॉलो। तो जो कॉन्टेस्टेंट आपको एक्साइट कर रहे हैं, आपको कौन लगता है कौन जीत सकते हैं? मुझे लगता है कि बेस्ट मुझे तनु लग रही है अभी फिलहाल के लिए, वो शायद बेस्ट करेगी। लेकिन बिग बॉस शो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपको क्या नज़र आता है कि क्या बिग बॉस में पार्टिसिपेट करके आगे का भविष्य अच्छा होता है, क्या मानती हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखिए लास्ट 2-3 जो बिग बॉस सीजन रहे हैं उनके ही अच्छे रहे हैं, आगे जाके उनके ही करियर अच्छे रहे हैं, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे थे और अब का मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ये जो दो लास्ट सीजन रहे उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। सलमान भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे होस्ट हैं वो? सलमान खान अगर अच्छे होस्ट नहीं होते तो आज ये 12वां 13वां सीज़न नहीं कर रहे होते। मेरे ख्याल से कि वो बहुत अच्छे, उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, वो एट अ टाइम डांट भी देते हैं, एट अ टाइम प्यार भी कर लेते हैं, हंसाते भी हैं, तो मेरे ख्याल से वो बिग बॉस के लिए वही बेस्ट है और वही कर रहे हैं इतने सालों से। जी अगले महीने कोई प्रोजेक्ट भी आने वाली है, आपके उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जी? जी पे मेरा प्रोजेक्ट है अगले महीने आफ्ताब शिवदसानी के साथ, जिसमें मैं कॉप प्ले कर रही हूँ, सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मैंने आज तक कॉप प्ले नहीं किया, आज कर रही हूँ इस बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्या बेसिस उस फिल्म का, क्या प्रोजेक्ट का थीम क्या है पर्टिकुलरली उसका? प्रोजेक्ट का थीम क्राइम है, विच आई वेयर आई एम प्लेइंग कॉप, बट वो ग्रे शेड का कॉप है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं विलन के लुक में भी अच्छी लग सकती हूँ। थैंक यू सो मच। Look at you. Look in the lens. Sir, what did you say by Ishan Rehan? I mean, since how long you know him and as a person, as an entrepreneur, I mean, how do you respond to him? He's a wonderful person and एक अच्छे इंसान की पहचान तब होती है जिसके दोस्त पुराने हों और जिसका स्टाफ पुराना हो, और इनके दोस्त और इनके स्टाफ दोनों ही पुराने हैं। मैं भी इनका पुराना दोस्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनको विश करने आया हूँ एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑन हिज बर्थडे। Yes, I am almost completing a Raja Mauli remake film. इनकी एक फिल्म थी तेलुगु में छत्रपति, जो कि साउथ की शोले मानी जाती है, बहुत हिट है वहाँ पे, और उसका हिंदी में रीमेक बन रहा है और उसमें मैं एक नेगेटिव मुख्य भूमिका में हूँ। तो
राजामौली के डायरेक्टर का फिल्म का रीमेक बन रहा है, तो बड़ा बजट होगा, बड़ा स्टार कास्ट होगा, कुछ डिस्क्लोज करना चाहते हैं उस बारे में? जी, स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। नुसरत भरूचा हीरोइन है उसमें, और भाग्यश्री मेरी मदर का रोल प्ले कर रही हैं, शरद केलकर उसमें मुख्य भूमिका में हैं, फ्रेडी दारूवाला हैं, अबरार जरूर हैं, जॉनी लीवर हैं, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी बड़ी स्टार कास्ट में इतना बड़ा रोल मिला। जैसे आपने कहा कि शोले का रीमेक है, तो शोले का रीमेक नहीं है, मैं कह रहा हूँ इतनी पॉपुलर है वहाँ पे, जैसे कि मतलब आप साउथ में किसी को पूछेंगे छत्रपति तो बच्चे बच्चे को नाम पता है। आई एम वेरी होपफुल, फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज जैसे पुष्पा आपने देखा ही होगा कि पूरे इंडिया में उसने तहलका मचा रखा है और बहुत ही लोकप्रियता मिली है उस फिल्म को, तो मुझे उम्मीद है कि लोग साउथ के हीरो को भी फिर से प्यार देंगे। और हमारी फिल्म के हीरो हैं बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास, जिनकी यूट्यूब पे डब्ड फिल्में 500 मिलियन प्लस व्यूज़ पे हैं, विद रकुल प्रीत, विद काजल अग्रवाल, तो मैं सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट होगा मेरे करियर के लिए। थैंक यू। अच्छा यार, बीच पे जाना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे एहसान रिहान जी के बारे में, कब से जानते हैं, एज अ पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू फाइंड हिम? आई थिंक आई नो हिम सिंस लॉन्ग, बट वी नेवर इंटरेक्टेड, बट रिसेंटली वी मेट ऑन मुंबई अचीवर्स अवार्ड, वेयर आई गॉट द अवार्ड। सो ही इज अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड ही इज डूइंग सो वेल इन हिज लाइफ, सो I wish him more and more success in life and wish him a very happy birthday. And what's on your professional front? Are you looking for some projects or are you working on any project right now at the moment? Yeah, I recently shot for a short film for Hotstar, so it's gonna come soon. And uske alawa, I'm doing few songs in Hindi and Punjabi, so that's all out there. Thanks, ma'am. Thank you. Ma'am, thoda yahan pe rukiye. Yahan pe.